नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आप भी कहोगे क्या भूतिया कहानी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरगटा भूत। एक लड़का था, उसका नाम था मैंग। अब वो एक इंटरनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब कर रहा था। तो उस एक दिन वो जॉब करते करते लेट हो गया, घर पे जा रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसको एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ क्या थी पता है? रुक जाओ। मयंक वहाँ पे रुक गया और उसने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। तो फिर वो चलने लगा, फिर आवाज़ आई, सामने देखो। तो उसने सामने देखा और जैसे ही उसने सामने देखा तो उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। तो वो दौड़ के उस चीज़ के पास गया तो उसने देखा कि वह एक चमकीला हीरा है। उसने उस हीरे को हाथ में लिया और बहुत खुश हो गया। लेकिन उसको कहाँ पता था कि ये कोई साधारण हीरा नहीं, एक मायावी हीरा है। तो अचानक से उस हीरे से आवाज़ आई कि तुम्हें और हीरे चाहिए? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा ज़मीन को खोदो, इसमें और हीरे है। तो वो और बहुत खुश हो गया। उसने अपने हीरे को जेब में डाला और ज़मीन को खोदना शुरू किया। लगभग 2 फीट ज़मीन खोदने के बाद वो डर के मारे चिल्लाने लगा। तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं थे, उस गड्ढे में इंसान का कटा हुआ सर था जो अचानक से हवा में उठने लगा। और वो बोला कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा और मैं तुम्हें बहुत से हीरे जवाहरात दूंगा, मैं जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सर उड़ते हुए जंगल की तरफ चला गया और करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सर रुक गया और वो लड़का मयंक था वह भी वहाँ पर रुक गया। फिर उस कटे हुए सर ने कहा कि यहाँ पर इस ज़मीन पर तुम खोदना शुरू करो, तुम्हें हीरे जवाहरात मिलेंगे। तो वो लड़का बहुत खुश हो गया। उसने उस ज़मीन को खोदना शुरू किया। जैसे ही खोदा तो उस ज़मीन के अंदर हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि वो जो भूत था उसका सर था, उसका कटा हुआ धड़ उस ज़मीन के नीचे मिला। तो वो बहुत डर गया। तो उस सर ने कहा डरो मत, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तो उस सर ने कहा तुम्हें कहीं से 1 लोटा खून लाना पड़ेगा। तो मैंक ने कहा कि 1 लोटा खून मैं कहाँ से लाऊंगा? तो उस सर ने कहा चलो मेरे साथ। वो डरा हुआ सर मयंक को अपने साथ ले गया और रास्ते में उसने किसी जाते हुए इंसान को देखा और वो मयंक से बोला इस इंसान को मार के तुम 1 लोटा खून ले आओ। तो वो लड़का बहुत डर गया और उसने उस कटे हुए सर से बोला मुझसे नहीं होगा। तो उस कटे हुए सर ने कहा कि तुम अगर तो यह काम नहीं करोगे तो तुम्हें मैं बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी।
उसने उस भूत के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो अगर मैं इस इंसान को मारूंगा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल में जाना पड़ेगा। उस कटे हुए सर ने अपने तंत्र की शक्ति से एक लोटा और एक छुरी प्रकट की और वो गुस्से में बोला, अगर तुमने ये मेरा काम नहीं किया, उस आदमी का खून नहीं लाए, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। तो वो लड़का बहुत डर डर